नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पर जो 1,000 रुपए का अमाउंट आप लोगों को मिल रहा है, जिसे भरण पोषण भत्ता कहा जाता है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो आपको क्यों मिलने हैं, कब मिलने हैं, किस किस को मिलने हैं, आपको वो पैसे मिले हैं या नहीं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, कौन से पोर्टल पर जाकर आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए, और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब से ई श्रम कार्ड बना है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इससे कई जॉबलेस लोगों को ई श्रम कार्ड के जरिए जॉब भी दी जा रही है। इसी के साथ एक पेंशन योजना भी लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंतर्गत ई श्रम कार्ड होल्डर्स को उनकी उम्र 60 साल पूरी होने के बाद 3,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन भी दी जा रही है। ये पेंशन उन्हें मानधन योजना के अंतर्गत दी जा रही है। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसमें पूरी डिटेल्स इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर भी वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर आप ई श्रम के ऑफिशियल पोर्टल पर देख सकते हैं, यहां नीचे आपको लुकिंग फॉर जॉब का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप अपने स्किल्स से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको जॉब ढूंढने में मदद करेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको NCS यानी कि नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा, और इस पोर्टल की मदद से आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। NCS के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं आपको इस पोर्टल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि आपको यहां पर कैसे जॉब ढूंढनी है। इसी के साथ यहां पर आपको लुकिंग फॉर ट्रेनिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर आप अपने स्किल्स से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन की मदद से आप वो कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्किल इंडिया के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा, और वहां से आप कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल इंडिया के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं इस पोर्टल के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लेना। इसी के साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं, तो भी ये पोर्टल आपकी मदद करेगा। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर आप कोई जॉब ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप यहां से वो भी ले सकते हैं अपने स्किल के हिसाब से। तो जॉब के लिए अगर आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है, कोई ट्रेनिंग लेना है, या फिर आपको अप्रेंटिसशिप लेना है, यानी कि आपको जॉब ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस लेना है, या फिर आप जॉब ही ढूँढ रहे हैं, तो ये ई श्रम का पोर्टल आपको इन तीनों में पूरी तरह से मदद करेगा। इसी के साथ अगर आपको जॉब नहीं मिली है, आप बेरोजगार हैं, तो ये आपको बेरोजगारी भत्ता यानी कि 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी देगा। ये भरण पोषण भत्ता आपको गवर्नमेंट हर 3 महीने पर देगी, यानी कि हर 3 महीने पर 1,000 रुपए आपको भरण पोषण भत्ता के रूप में गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। आपको साल के कुल 4,000 रुपए भरण पोषण भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपको इसका बेनिफिट मिला है या नहीं, यानी कि आपको भरण पोषण भत्ता 1,000 रुपए का मिला है या नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको यहाँ इस पोर्टल पर जाना होगा, जिसका URL है upssb.in, यानी कि सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का ये पोर्टल है जिस पर आपको जाना होगा। यहाँ लास्ट में आपको ई श्रम का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अपनी, कि आपको वो भरण पोषण भत्ता मिला है या नहीं मिला है।